रेखा गणित के अंतर्गत एक स्पेशल टॉपिक आता है रेखा, किरण और रेखाखंड। इसकी पहचान कैसे करते हैं, इसके दोनों तरफ तीर क्यों लगाते हैं, इसके किरण के एक तरफ तीर क्यों लगाते हैं और रेखाखंड के एक भी तरफ तीर क्यों नहीं लगाते हैं। आप देख रहे होंगे हमने यहाँ दोनों तरफ तीर लगाया हुआ, इसमें एक तरफ तीर लगाया हुआ और रेखाखंड में एक भी तरफ तीर नहीं है। इनकी पहचान कैसे करेंगे और इनकी विशेषताएं क्या होती है, इस वीडियो में आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगेश कुमार, वेलकम टू स्टडी विद वाईजी। ये बेसिक मैथमेटिक्स क्लास का क्लास 6 है। इसके पहले 5 क्लास अपलोड हो चुके हैं बेसिक मैथ के, यदि आपने अभी तक वो नहीं देखे तो आपको लिंक नीचे मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। यदि आपको नहीं मिला तब भी आप हमें कमेंट करके बताइए, हम कमेंट में आपको लिंक दे देंगे। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। याद रखें इंस्टाग्राम यदि आप यूज करते हैं तो वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है 2389YU, यानी 23 डालेंगे तो वहाँ पर हमारी आईडी मिल जाएगी और आप फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं स्टडी विद वाईजी के नाम से। तो पहले हम बात करेंगे बिंदु की। बिंदु एक ऐसी ज्यामिति आकृति है जिसमें, ध्यान दीजिए यहाँ पर, जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो और ना ही मोटाई हो, यानी कि बिंदु में ये तीनों ही चीजें नहीं होती है। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये बिंदु बना हुआ, इसको बड़े अच्छा से हमें प्रदर्शित किया हुआ है। बिंदु को हम पेन और पेंसिल की सहायता से लगा सकते हैं। बिंदु एक काल्पनिक आकृति होती है, ये निश्चित आकृति नहीं होती है। बिंदु को हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से। बिंदु किसी वस्तु की स्थिति को दर्शाने में प्रयोग किया जाता है। अब बिंदु से आपको समझ में आएगा कि रेखा किसे कहते हैं। परिभाषा समझेंगे, रेखा को इंग्लिश में लाइन कहते हैं। रेखा एक ऐसी ज्यामिति आकृति है जिसमें लंबाई तो हो लेकिन चौड़ाई और मोटाई ना हो। ध्यान दीजिए यहाँ पे, बिंदु में हमने कहा कि वहां लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ लंबाई जरूर होगी, चौड़ाई मोटाई नहीं होगी रेखा में। या फिर हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि लगातार क्रमिक रूप से बिंदुओं की व्यवस्था को रेखा कहते हैं, अर्थात बिंदुओं को यदि लगातार क्रम से छूते हुए लगा दिए जाए तो एक रेखा का निर्माण होता है। जैसे कि देखिए, हमने बिंदु बिंदु लगा दिए और यहाँ रेखा तैयार हो गई। और रेखा को हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी रेखा में हमेशा दोनों तरफ तीर होता है। ये तीर ये बताते हैं कि इस तीर को भी हम अनंत तक खींच सकते हैं और इस तीर को भी अनंत तक बढ़ा सकते हैं, यानी कि दोनों तरफ के तीर को पकड़ करके खींच सकते हैं, अनंत तक बढ़ा सकते हैं। रेखा को ए बी से प्रदर्शित करेंगे। रेखा के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। एक बिंदु से असंख्य लेकिन दो बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। इसका मतलब समझिए, यदि हम एक बिंदु ले लें, ये हमने एक बिंदु ले लिया तो इससे हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। देखिए कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत, आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन यदि हम लगातार दो पॉइंट ले लें, एक पॉइंट हमने ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, अब यहाँ से सिर्फ सिर्फ हम एक ही रेखा खींच सकते हैं, इसके अलावा दूसरी रेखा नहीं खींच सकते हैं। तो यहाँ एक बिंदु से असंख्य लेकिन दो बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती है, ये बहुत पॉइंट है। रेखा ए बी में, रेखा ए बी में तीर लगा हुआ है, तीर का निशान यह सूचित करता है कि रेखा को दोनों ओर अनंत तक बढ़ा सकते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया रेखा बिंदुओं का सागर है। रेखा को हम कागज श्यामपट पर नहीं खींच सकते, क्यों? क्योंकि जब हम इसको अनंत तक बढ़ाएंगे तो क्या हम रेखा को खींच लेंगे किसी कागज या श्यामपट पर? आप ही सोचिए, तो रेखा को हम नहीं खींच सकते हैं। रेखा में एक भी अंत बिंदु नहीं होता है, रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती, इसको हम माप ही नहीं सकते। तो ये हो गई रेखा की बात। अब रेखा के हम प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करेंगे किरण की। तो किरण वैसी रेखा जिसमें एक प्रारंभिक बिंदु निश्चित हो लेकिन दूसरा अंत बिंदु अनिश्चित हो, किरण कहलाती है। इसका मतलब यह है कि जैसे हमने ये ए बी रेखा किरण खींची, इसमें एक तरफ तीर लगा हुआ है और दूसरी तरफ तीर नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिस तरफ तीर लगा हुआ है इसको हम अनंत तक खींच सकते हैं और जिस तरफ तीर नहीं लगा है वो पॉइंट एकदम से निश्चित है, फिक्स है, उसको हम नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसका एक अंत बिंदु को निश्चित होता है लेकिन दूसरा बिंदु अनिश्चित होता है। किरण को जैसे कि सूर्य के प्रकाश की किरण, सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है तो सूर्य तो अपनी जगह पर स्थिर है, वो कहीं नहीं जा रहा, लेकिन उसकी जो किरणें निकल रही है, जो पृथ्वी तक आ रही है, तो अनंत तक जाती है, इसका प्रकाश अनंत तक जाता है। सूर्य की किरण, टॉर्च की किरण, इससे हमें पता चलता है कि इसका एक तरफ का भाग तो निश्चित है। अब जैसे टॉर्च हम हाथ में ले लेंगे तो एक भाग हमारा निश्चित है, लेकिन जो दूसरा बिंदु है
दूसरा बिंदु अनंत तक जाएगा। अब जहां तक इसका प्रकाश जाएगा वो अनंत तक जाएगा, लेकिन जिस हाथ में हमने टॉर्च ले रखी है वो बिंदु स्थिर रहेगा, तो इसे कहते हैं किरण। ए बी किरण का अर्थ है बिंदु ए निश्चित तथा बी बिंदु अनिश्चित है। अगर ये ऐसे लिखा होता बी ए तो इसका मतलब हो जाता बी निश्चित और ए अनिश्चित। किरण को भी हम कागज और श्याम पट पर नहीं खींच सकते, क्योंकि एक बिंदु भले ही निश्चित होता है लेकिन दूसरा बिंदु तो अनंत तक जाता है। किरण में एक भी आरंभिक बिंदु होता है, यानी किरण में एक बिंदु तो होता है, दूसरा बिंदु निश्चित नहीं होता है। किरण की लंबाई निश्चित नहीं होती, इसको भी नहीं माप सकते हैं। अब बात करेंगे रेखाखंड की। रेखाखंड को इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट। रेखाखंड जैसे भी आपको अर्थ समझ में आ रहा होगा, रेखा का खंड, खंड मतलब टुकड़ा। रेखा का ही एक सीमित भाग होता है, रेखा का ही एक टुकड़ा होता है जिसकी लंबाई निश्चित होती है। यानी कि किरण और रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है, अभी तक आपने यही जाना, लेकिन रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, फिक्स होती है। इसके दोनों बिंदु फिक्स होते हैं कि ए और बी बिंदु फिक्स है, इसमें हम तीर नहीं लगाते हैं। इसका मतलब यह है कि ये दोनों बिंदु फिक्स है। ए बी रेखाखंड ये सूचित करता है, इसका तात्पर्य ए और बी, ए बी जो रेखाखंड को सूचित कर रहा है इसका तात्पर्य यह है कि इसके ए और बी दो अंत बिंदु निश्चित है, यानी कि इसकी लंबाई को हम माप सकते हैं। रेखाखंड को हम कागज श्याम पट आदि पर खींच सकते हैं, रेखाखंड की लंबाई को कचरे की सहायता से माप सकते हैं। इस टेबल के माध्यम से आपको पूरा विस्तार से समझ आ जाएगा। तो देखिए रेखाखंड ऊपर देखिए, रेखाखंड में दोनों दो अंत बिंदु होते हैं, किरण में केवल एक अंत बिंदु होता है, यानी कि इसका मतलब यह कि रेखाखंड के दोनों तरफ तीर लगा सकते हैं और किरण की एक तरफ तीर लगाते हैं, लेकिन रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, यानी कि एक भी तरफ तीर नहीं होता। रेखाखंड को किसी भी दशा में नहीं बढ़ाया जा सकता, किरण को केवल एक दिशा में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक बिंदु तो इसका फिक्स होता है, दूसरा बिंदु जो फिक्स नहीं होता उसको हम बढ़ा सकते हैं। रेखा को दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसके दोनों बिंदु अनंत तक बढ़ सकते हैं। इसकी लंबाई सीमित होती है रेखाखंड की, इसको माप सकते हैं। किरण की लंबाई असीमित होती है और रेखा की भी लंबाई असीमित होती है। इसको ए बी से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन एक तरफ तीर होता है, और रेखा को ए बी से प्रदर्शित करते हैं लेकिन इसके दोनों तरफ तीर होता है। तो ये था आज की वीडियो, रेखाखंड किरण और रेखा। आपको कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको रेखाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ये हमारी आईडी है, और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अदरवाइज अनलाइक करें, और यदि अच्छा लगा लाइक किया है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी नई नई जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, रेखाओं के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।